यहाँ पे हम सबसे पहले एक एक्सपोर्ट ऑर्डर को लेकर बात करेंगे जो कि रिसीव किया गया है भारतीय कंपनी ग्रिड बॉट के द्वारा। तो इनका जो ग्रिड बॉट्स टाइटन है जो कि एक ऑल टेरेन ट्रैक्ड रोबो है, उसका जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है वो रिसीव किया गया है एक फॉरेन बायर के द्वारा। यहाँ पे जो बायर का नाम है वो रिवील नहीं किया गया है। सो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है ग्रिड बॉट के लिए। टाइटन की बात करोगे तो ये एक हाई कैपेसिटी मल्टी यूटिलिटी कॉम्बैट व्हीकल है जो कि ऑटोनोमस मोड में मल्टीपल टाइप के जो ऑपरेशन है वो कर सकता है बैटलफील्ड में, और यहाँ पे जो ह्यूमन का इंटरवेंशन होगा वो काफी कम रहेगा। और उसके रिजल्ट के रूप में जो आपके कॉम्बैट इन्फेंट्री इन्वॉल्व्ड है वहाँ पे पर्सनल्स होंगे, सोल्जर्स होंगे, उनकी लाइफ कम रिस्क पे रहेगी। इसका जो इस्तेमाल है वो होमलैंड सिक्योरिटी यूनिट के द्वारा भी किया जा सकता है, तो जो CICT ऑपरेशन है वहाँ पे भी जो इस्तेमाल है वो इनका हो सकता है। हाल ही में इस व्हीकल को डिस्प्ले किया गया था डिफेंस एक्सपो में, और वहाँ पे जो इसकी आर्मिंग है BDL के Amog-3 से वो भी आपको देखने को मिलेगी। रोल की बात करोगे तो जो रियल टाइम में डे और नाइट सर्विलेंस है वो कर सकता है। वेपन की जो माउंटिंग है वो हम बात कर चुके हैं, वो भी की जा सकती है। जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो आपके यूनिट की बढ़ाएगा, और किसी वॉर के टाइम पे अगर फील्ड में आपको लोड पहुंचाना है ऑपरेशनल लोड तो इसके द्वारा भेज सकते हो। तो हर तरह के टेरेन में ऑपरेट होगा। पेलोड कैपेसिटी की बात करोगे तो 2-3 टन की है, जहाँ पे जो इसकी रेंज है वो 20 किलोमीटर के अराउंड है, और वहीं पे जो स्पीड रहेगी वो 20 KMPH की रहेगी। 3 तरह के जो मोड है उसके द्वारा ये कंट्रोल होगा, मैनुअल मोड, ऑटो मोड और फॉलो मी मोड। रिमोट के रेंज की बात करोगे तो वो 2 किलोमीटर के अराउंड है। यहाँ पे जो क्लाइंबिंग कैपेबिलिटी है वो 45 डिग्री की है। जो रोबोटिक आर्म है उनकी माउंटिंग की जा सकती है, और जो 3D और 2D मैप जनरेशन है वो किया जा सकता है इसके द्वारा। सिंस ये बैटरी संचालित है तो जो स्मार्ट चार्जिंग है उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो बैटरी यहाँ पे हॉट स्वैप दिया गया है, मतलब प्लग इन और प्लग आउट आप कर सकते हो। वीडियो फीड के लिए यहाँ पे 8 चैनल दिए गए हैं, और जैसे भी सेंसर होंगे उनको आप यहाँ पे माउंट कर सकते हो, चाहे वो गैस हो, थर्मल हो या GPR हो। तो इसका जो एक्सपोर्ट है वो किया जा रहा है। और इसके आर्मिंग की बात करते हो तो हाल ही में BDL ने इसको आर्म किया था अपने अमोग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से, Amog-3 से, जो कि एक 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट MP-80 AGM है, जो कि सिस्टम को क्षमता देता है कि किसी भी एनिमी के जो MBT हैं उनको डिस्ट्रॉय करे बिना ह्यूमन के इंटरवेंशन के। तो जो मिसाइल की रेंज है वो 2.5 किलोमीटर के अराउंड है, 200 मीटर से लेके। जो टॉप और डायरेक्ट अटैक है दोनों कर सकता है। प्रोपल्शन यहाँ पे स्मोकलेस दिया गया है जो कि सिग्नेचर फ्री है और आपके डिटेक्शन को कम करेगा। TVC जो कंट्रोल है, थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल, वो दिए गए हैं। और यहाँ पे भी एनमी के टैंक के आर्मर को डिफीट करने के लिए जो टैंडम वॉरेड है वो दिया गया है। तो अगेन ये सॉफ्ट लॉन्च सिस्टम है, जहाँ पे जो फ्लाइट टाइम रहेगी वो 13 सेकंड की रहेगी। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट रहेगा ग्रिड बॉट्स के लिए, क्योंकि अगर आप दूसरी तरफ देखते हो तो भारत की तरफ से जो अभी ऑर्डर है वो भी प्लेस नहीं किए गए हैं। प्रॉब्ली आने वाले टाइम में जो उसकी प्रोक्योरमेंट है वो दिखेंगे, क्योंकि हाल ही में ये जो कैटेगरी है वो MOD ने IDDM में डाली थी। तो प्रॉब्ली जो प्रोक्योरमेंट है वो इसका भी जल्द दिखेगा एक बड़े नंबर में। एक और रिपोर्ट के बारे में बात कर लेंगे जो कि जैन की रिपोर्ट है, जिसके अकॉर्डिंग इंडियन आर्मी देख रही है इजरायली पिटबुल RCWS को प्रोक्योर करने को लेके। तो ये काफी ट्रिवियल सा प्रोडक्ट है। इस तरह के कई सारे जो प्रोडक्ट हैं वो भारत में ऑलरेडी प्राइवेट कंपनियां या फिर जॉइंट वेंचर में बनाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सोर्स कोट किया गया है वो इजराइल के जनरल रोबोटिक्स के जो CEO हैं, जो भारतीय CEO हैं, उनको कोट किया गया है। और उनके अकॉर्डिंग जो इंडियन आर्मी है और इंडियन नेवी है वो उनके पिटबुल RCWS को देख रही है। कुछ जो एडिशनल फीचर हैं वो आपको पिटबुल RCWS में मिल जाएंगे, उसको लेके हम बात कर लेंगे। प्रॉब्ली वही जो फीचर हैं वो इसको एज दे रहे हैं। ये AI पावर्ड RCWS है जिसको स्पेशली बनाया गया है लाइट व्हीकल पे इंटीग्रेट करने के लिए, या फिर कोई जो आपका UGV है उस पर आप इसको इंटीग्रेट कर पाओगे। जो वेट है वो काफी कम रखा गया है, जो 7.62 राउंड है ये उसको फायर करता है, और जो 40M का ग्रेनेड लॉन्चर है, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, वो भी फायर करेगा। जो EO सेंसर है वो दिया गया है, और जो इसका AI सिस्टम है वो फुल अवेयरनेस को मेंटेन करता है आपके सराउंडिंग को लेके, चाहे आप किसी प्लेटफॉर्म पे क्यों ना हो। तो इस तरह के स्मार्ट AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कोई भी जो टारगेट होगा उसको आप ऑटोनोमस डिटेक्ट कर पाओगे, ट्रैक कर पाओगे, और जो एक पोजीशन है वो प्रिडिक्ट कर पाओगे, और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका थ्रेट है वो फ्रेंडली हुआ फिर वो हुआ अकॉर्डिंगली उस पर फायर करेगा। तो जो एक टारगेट प्रिडिक्शन एल्गोरिथम है वो काफी स्ट्रांग है। इसका एक स्पेशल फंक्शन दिया गया है ह्यूमन ऑपरेटर्स के लिए, जहाँ पर अगर आप चाहोगे कि आप हमेशा कंट्रोल में रहो ट्रिगर के, तो आप रहोगे ना कि AI रहेगा। तो जो एक एडवांटेज है AI के साथ वो आपको यहाँ पे मैनुअल दिया है। वेट की बात करोगे तो 85 kg से नीचे का इसका वेट है, जिसको आप अल्ट्रा लाइट कहोगे। और यहाँ पे जो एक ऑप्शन है माउंटिंग का, एंट्री ड्रोन जैमर के माउंटिंग का, वो भी दिया गया है। तो जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है ये आपको देता है। तो ऐसे कुछ एडवांटेज है प्रॉब्ली वो इसको एज दे रहे होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।